अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फहद शहबाज खान। एक मोरिया पुल हम खड़े हैं और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा तारीखी फैसला दिया गया, जिसमें कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं, जो अपनी जान के लिए ख़तरा हैं, उनको बैन किया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि उनको पकड़ने के बाद उनके वालिदैन जो हैं वो बयान हल्फी जमा करवाएंगे, और उस बयान हल्फी की अगर वायलेशन हुई तो वालिदैन को भी बिहाइंड दी बार्स यानी अदालत के पीछे जो है सलाखों के पीछे जो है वो फेंका जा सकता है। दूसरा, बड़ा तफसीली तौर पर सारे इदारों को लाहौर हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बाद मरबूत किया गया है, एक किया गया है। सीडीओ साहब की जानिब से बताया गया था कि बहुत सारे इदारे मिलकर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मौसर और बेहतर बना सकते हैं। अब जहां हम खड़े हैं यहां इशारा है, लेकिन इशारा बंद होने की सूरत में ज़ेबरा क्रॉसिंग के निशानात नहीं है। तो अगर LDS सड़कें बनाए तो ज़ेबरा क्रॉसिंग उसने लगाना होती है, कॉरपोरेशन सड़क बनाए तो उसने लगाना होती है, और साइन बोर्ड्स टीपा ने लगाना होते हैं। आज टीपा को जो है टीपा की जानिब से कोई जब पेश ना हुआ तो मौजूदा अदालत की जानिब से जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की जानिब से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व किया गया। और दूसरा, इन सारे इदारों से पूछा गया कि किस तरीके से हालात को मज़ीद ना सिर्फ बेहतर किया जा सकता है बल्कि, और साथ पैमरा को भी ऑन बोर्ड लिया गया CTO की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से, 1122 की जानिब से कंपेन्स की कुछ मैसेजेस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस बनाकर सारे चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और वो विद इन वीक आपको डायरेक्शन लाहौर हाईकोर्ट की डायरेक्शंस के बाद, अली अकबर कुरैशी साहब की डायरेक्शंस के बाद, वो सारे के सारे आगाही मैसेजेस के हेलमेट क्यों ज़रूरी है, अपनी लेन में रहें, किस तरह पाबंदी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम आज लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बाद सारे इदारों को ऑन बोर्ड बिठा कर उस एक जान को बचाने के लिए काविश की गई है, जिसके लिए हम सारे फिक्रमंद हैं कि वो इंसान जो घर से निकला है वो सही सलामत घर पहुंचे और किसी हादसे की जद में ना आए। ये वो सारे के सारे इकदाम थे, और इन पर मज़ीद बहुत सारी अहम तरीन गुफ्तगू है जो आपके साथ करते हैं, और कुछ आपको कम उम्र ड्राइवर्स भी दिखाएंगे, और ट्रैफिक का निज़ाम कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप फ़र्ज़ कीजिए जिस चौक में मैं खड़ा हूँ यहाँ तजावजात हैं, तो अदालत के वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद हैं कि तजावजात जो है वो कॉरपोरेशन उसे डील करे, उसे बल्दिया उजमा डील करे तजावजात को, LDA डील करे, और अगर साइन बोर्ड्स नहीं है उसे टीपा डील करे, ज़ेबरा क्रॉसिंग्स नहीं है तो मुतलका महकमे उधर ज़ेबरा क्रॉसिंग्स दें, साइन बोर्ड्स लगाएं, तो एक मरबूत और इसमें पैमरा और सारा मीडिया जो है मिलकर लोगों को आगाही दे कि किस तरीके से इन सारे मामलों को ना सिर्फ बेहतर किया जा सकता है बल्कि हालात में बेहतरी भी लाई जा सकती है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे नो उमर ड्राइवर्स जो बच्चे पकड़े गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। पुत्र कितने चला है? अकेडमी। तो पुत्र तुम तो छोटे हो अभी। अब मजबूरी है जाना। क्या मजबूरी मेरे बच्चे को? अकेडमी दूर है। तो ये बाइक तो तुम नहीं अभी चला सकते, एलिजिबल ही नहीं हो, पाकिस्तान का कानून कहता है। नहीं चलानी आती है, चला रहे हैं। नहीं वो बेटा वो नहीं चलानी आती ना, छोटे हो अभी हैं। अब अंकल जी लाडू शाडू चलाया करो मेरा बच्चा, बाइक नहीं, वन व्हीलिंग तो नहीं करते? नहीं। पक्की बात है? किस क्लास में हो आप? टेंथ में हो जी। तो टेंथ में आप हो तो बाइक भी चलाना मजबूरी है, और कोई सवारी नहीं घर आने जाने के लिए? क्या नहीं और कोई सवारी नहीं। अब्दुल्ला मलिक साहब वो कहते हैं जी मैंने एकेडमी जाना होता है। कितनी दफा आपका चलान हो चुका है? पहली बार पकड़ा ही नहीं किसी ने। लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो आप देखें कि सारे इदारे मुतहरक हो गए हैं, और ये वो मुजरिम शख्स जो दरखास्त गुजार है वो हमारे साथ खड़े हैं, और इनका सारा कसूर है। ये बच्चे जितने पकड़े जाएंगे इनकी वजह से पकड़े जाएंगे, और बड़ा तफसीली आज फैसला किया गया, सारे इदारों को ऑन बोर्ड लाया गया। जी मलिक साहब हम चाह क्यों रहे हैं? इसलिए कि इसकी जान हमें अजीज है, इसका मुस्तकबिल अजीज है, कौम का मुस्तकबिल अजीज है। जैसे कि आपका चैनल भी हमें ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, हमने रेट कहाँ से ली, हमने ये विजन आपसे लिया, आपने इतनी वॉलेशन दिखाई, आपने ट्रैफिक लाइसेंस की ना होने की बुनियाद पर लाइसेंस है आपके पास? एक मिनट मैं आपको बताता चलूं कि मैं अभी कुछ ही मुझे महीने हुए हैं ये बाइक चलाए हुए। हाँ बेटा पहले मैं रिक्शे पे तो हो गए ना जी। तो मुझे ये बताओ लाइसेंस भी नहीं है आपका? नहीं, एक या डेढ़ महीना, अभी मेरी इतनी उम्र ही नहीं हुई है कि मेरा शनाख्ती कार्ड या लाइसेंस बन सके। इससे ज्यादा पता है, इससे ज्यादा इसके वालदैन मुजरिम है जिन्होंने इस बच्चे। क्या करते हैं? अब्बा काम करते हैं कपड़ों वाली कंपनी। उन्होंने कभी रोका नहीं आपको कि आप मोटरसाइकिल पे ना जाए? आपकी उम्र नहीं है, आप छोटे हैं। हमारी पढ़ना तो है, थोड़ी अकेडमी दूर है तो जाना तो पड़ेगा। कवानीन पर बनाना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का बुनियादी मकसद यही है कि जब हम हेलमेट पर पाबंदी लगाएंगे, लाइसेंस का निज़ाम लगाएंगे,
और ये अंडर एज को पहले समझाएंगे, आज जो हाई कोर्ट ने कहा है पहले इनको वार्न किया जाएगा थ्रू मीडिया थ्रू कैमरा के जो अभी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, इसके बाद इनको और इनके वालदैन को दोनों मुजरिम तसव्वुर किए जाएंगे। देखना एक अंडर एज साथ आए, बहुत सारे और लोग भी इधर मौजूद हैं मेरे साथ आए जी, इधर बच्चे और भी मौजूद हैं, ये सारे बच्चे पढ़ाकू बच्चे भी हैं पढ़ने भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी, क्या हाल है अहमद साहब आपके? ठीक है। बाइक किसने आपको दिया? पापा ने दिया, वो ने छोड़ के आ रहा था स्टेशन पर। पहले आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी कोई? जी पहले बंद हो गई थी बाइक, पहले बाइक बंद हुए थे जी, तो फिर आपने दोबारा चलाना शुरू कर दिया। फारूक साहब भी अगर आ गया, आपके पापा ने बाइक दी आपको? जी पापा को छोड़ के आ रहा था, वरना मैं पता है कि हेलमेट क्यों जरूरी होता है ये कोई पता है बेटा? बताओ, अभी अंडर एज है? नहीं नहीं, कोई भी हो कोई भी हो, आपको पता है बेटा? इसलिए होता है कि आपकी सेफ्टी रहे, अगर आप गिर जाएं तो आपको सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पार्ट होता है वह हेड होता है, अगर आप गिर जाएं तो हेड पे चोट लगने से आपकी जान भी जा सकती है। अभी मुझे फरूख साहब बता रहे थे कि डेली लाहौर में 225 से ज्यादा ये रोड एक्सीडेंट, उसमें 70% मोटरसाइकिल बाइकर होते हैं। जी जी फारूक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब जी दरख्वास्त गुजार भी हैं सारे केस में, और बड़ा वाज़े अहकाम दिए गए हैं अली अकबर कुरैशी साहब की जानिब से, और ये उनका कोई पहला फैसला नहीं है जो तारीखी हो, एक सीक्वल है, पूरा सीरीज़ है वो। आप मियानी साहब कब्रस्तान देख लें, मियाँ मीर कब्रस्तान देख लें, आप पीयू की ग्राउंड्स पर कब्जे का मामला देख लें, कई सौ कनाल ज़मीनों पर कब्जे का मामला देख लें, हार रोड पर तजावजात के मामला देख लें, मार रोड के मामला देख लें, और क्वैकरी से मुतालिक बहुत सारे फैसले। फारूक साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अंडर एज बच्चा है, कम उम्र है, कैसे चला सकता है ये बाइक? मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला साहब इस कौम के मोहसिन हैं, सबसे पहली बात यह। दूसरा बात यह कि इससे ज़्यादा जो कसूर है ना इसके वालदैन का, ये मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा। देखें जब घर में कोई खतरनाक चीज माचिस से कोई बच्चा खेलता है ना, तो उसका उसकी जो मदर होती है कहते बेटा इसे आग लग जाएगी। हमने ऐसे बच्चों की, अल्लाह ना करे ये हमेशा खुश रहे, हमने लोगों की गर्दनें अलहदा, सर फटे हुए, टांगे कटी हुई, हमने उठाया लोगों को, तो खुदारा बेटा अपने ऊपर जुल्म ना करें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कार्रवाई करेंगे अभी, क्या कार्रवाई कर सकते हैं? बाइक बंद करेंगे, क्या करेंगे जी? बाइक बंद करेंगे, इनके वालदैन को बुलाएंगे, अंडरटेकिंग लेंगे उनसे जी, इसके वालद को बुलाएंगे, हल्फिया बयान लेंगे, अगर दोबारा या दोबारा पकड़ा गया तो फिर उसके वालद अंदर जाएगा, वालद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब्बा एक चीज करूं, अब्बा पढ़ाओ ना, सौ का मौका। ये हमारे भाई खड़े हैं, ये भी बड़े कानून की बात भी करते रहना चाहिए। जब हमने ये पिन पॉइंट किया कि बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं लेकिन वो बगैर हेलमेट के जाते हैं, लाइसेंस नहीं होता, अंडर एज है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो दूसरों की जिंदगियों को खतरों में डालते हैं वो चिकची वाले हैं, तो अदालत चूंकि एक मुनसिफ होती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को भी रोकती है, तो अदालत ने पहले CTO साहब को, उनके जो सीनियर अफसर हैं उनसे कहा कि आप पहले मरले में उन वालदैन को बुलाएं, उनको एजुकेट करें, टीचर्स को एजुकेट करें, स्कूल और कॉलेजेस में जाएं, बताया जाए कि ये कितना मोहलिक है इन चीज़ों का, अगर फिर भी अगर वालदैन और बच्चे बाज नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें देखिए लॉ में तो है, अगर कोई अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है, तो न तो वो गाड़ी चला सकता है। बाकी लोगों से बात जी, बाकी लोगों से भी बात करते हैं जी। इधर ये चिंगजी वाले भाई, क्या हाल है बेटा? पुत्र कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल भाई, बनने वाला एक दो दिन तक बनाना। आईडी कार्ड तो नहीं बना है? एक दो दिन तक बनाना। तो क्या पढ़े हो आप? मैं 4-5 पढ़े। तो कब से चलाते हो रिक्शा? हो गया 2-3 माह। 2-3 माह हो गए, तो कितना कमा लेते हो दिन का? 600-700 रुपये कमा लेते। 600-700 रुपये कमा लेते, और कितने घर कितने अफराद हैं घर में? मैं और अबू अम्मी और 2-3 बहने, 2 बहन। क्या इसके आप देखें, आप क्यों रिक्शा चलाते हो? अब्बू है, मैं कमाने वाला हूँ, और कोई नहीं। अर्निंग एंड है? आप अकेले? अब्बू है, डैड और ये बेटा। आप तो ये रक्षा नहीं चला सकते, आपकी एज कम है, 18 साल से कम उम्र हो। एक दो दिन बनाना है। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 19 साल। आपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया या ड्राइविंग लाइसेंस? एक दो दिन बन रहे, अभी बनवाना आपने, लेकिन तब तक आप रक्षा नहीं चला सकते। एक और भी इससे बड़ी अहम बात है अहमद साहब, जो हम अपने मौजूद जज और जो कौम के मोहसिन है जनाब अली अकबर कुरैशी साहब, और फिर हमारा जो लाहौर न्यूज़ है प्रोग्राम तमाशा जो बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगाही मुहिम चलाएं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए सिंध हाई कोर्ट ने इस मॉडल पर पाबंदी लगा दी थी, कानून में चिंची का कोई इंदराज ही नहीं है, ना ही इसकी मॉडल की, ना इसका कोई लाइसेंस है, ना लाइसेंस है, ये हो ही नहीं सकता। ये देखें ना, एक साइड में ये अगर रजिस्टर्ड है तो एज ए मोटरसाइकिल है, ये डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है, ये गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने
کسی ایک مخصوص عرصہ کے لیے اس کو اجازت دی تھی. ہم اب عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چونکہ ایک ٹریفک کی وائلیشن ہے, ایک روڈوں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے, تو ود پیسج آف ٹائم اس پر پابندی بھی لگائی جائے. اور یہ جو ہمارا چھوٹا بھائی, ہمارا بچہ, یہ جو اپنے ساتھ دوسروں کی بھی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اب کچھ عرصے بعد یہ آپ ان پہ پابندی لگائیں گے. ہم اویئرنیس دیں گے, سول سوسائٹی اور ہمارے بھائی فہد صاحب اور عثمان صاحب, ہم مل کر یہ کوشش کریں گے, آپ کے ساتھ مل کر ہم کمپین چلائیں, چونکہ یہ بطور شہری ہماری بھی ذمہ داری ہے, لیکن بطور والدین یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جب یہ ہاسپٹلوں کے باہر روتے ہیں, ڈاکٹر سے لڑتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مدویات نہیں مہیا ٹائم پر, وہ زندگی کی جان ہار گیا, بھائی آپ ایسے بچے کو خطرناک کھلانا کیوں دیتے ہیں؟ ابھی فاروق صاحب نے, جیسے میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے سن کے حیرانگی ہوئی کہ 250 ڈیلی کیسز ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ, 70% جو اپنی جان ٹانگیں توڑوا بیٹھتے ہیں. مزدوروں کا معاشرہ تو ہم نہیں بتانا. ہمیں اب لوگ کہتے ہیں جی روزگار نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کمائیں گے؟ کیا قاتل روزگار کما سکتا ہے؟ یہ میرا بھائی بچہ قاتل ہے, یہ میری زندگی بھی خطرے میں ڈالے گا, اپنی زندگی ڈالے گا, آپ کے بھی. تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے, ہمدردی اس سے کرنی چاہیے جو قانون جانتا ہو. لا قانونیت کے ساتھ ہمدردی کرنا جرم کو پنبنے کے مترادف ہوتا ہے. دیکھیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کی تو, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو رکشہ چلا رہے ہیں ان کی کوئی مجبوری ہوگی, ان جو پک اپ چلا رہے ہیں ان کی کوئی مجبوری ہوگی, ان کے لیے حکومت کو چاہیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائے, ان کا کوئی آپ میکانزم کوئی ڈیزائن رکشے کا اس طرح کا دے دیں کہ تاکہ یہ فال کرے رکشے میں, فال کریں. اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن رجسٹرڈ نہیں ہے, روزگار کا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے, کوئی اور اس طرح کی کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے, تب ہی یہ ممکن ہے. اگر یہ اس کا رکشہ بند ہو جائے گا, ہو سکتا ہے اس کا گھر کا جو خرچہ ہے, جو راشن ہے اس کا بند ہو. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ ہم گلا گالیاں ان کو دیتے ہیں, تو یہ وارڈن نے کچھ نہیں کیا, ریسکیو موقع پہ نہیں پہنچا. اب یہ اس کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے؟ یہ سیکٹری ٹرانسپورٹ نے, پی ٹی ایچ اتھارٹی, انہوں نے دینا. اب وہ محکمہ سو رہا ہے, انہوں نے کبھی رستے میں تو لوڈنگ بھی چیک نہیں کرتے. عدالت کو آپ نے یہ بھی آج ہم نے کہا کہ جناب جو ہائی ویز پہ جو اتنے وائلیشن ہوتی ہیں تو وہ کس کا قصور ہے؟ اس محکمے کا قصور ہے. گالی ہم جا کے دیتے ہیں ان لوگوں کو, یہ بھی ہماری طرح بھائی ہیں. دیکھیں ان کے بھی ساتھ بھی اگر میں قانون کو فالو نہیں کروں گا, احمد کو ایز اے وارڈن عزت نہیں دوں گا, تو میں اس ملک کے قانون کو عزت نہیں دوں گا. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے, چونکہ انٹولرنٹ سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, جہالت بڑھتی جا رہی ہے, آپ بھی ٹولرنٹ سوسائٹی کا کردار ادا کیا کریں. آج ہم نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ اس کو لائسنس دیا جائے جو ایک ٹریننگ اسکول سے آئے. پھر طے ہوا کہ ٹیپٹا میں آپ کے لیاقت صاحب نے بڑی اچھی آج پریزنٹیشن دی, اچھا کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ باقی جو الائیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی جگایا. کس طرح جگایا؟ آپ نے جب پروگرام کیا جا کے مال روڈ پر چند دن پہلے, تو آپ نے جو گلاسز تھے اس پہ بھی کوآرڈینیٹر, بیک مرر, بیک مرر, مرر, ہمارا کل والا شو تھا بیک مرر. سب سے زیادہ وائلیشن اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں گے ٹرن لیفٹ یا رائٹ ٹرن کر لیتے ہیں, آپ لیفٹ رائٹ ٹرن جا کر اپنی زندگی کو بھی جاتے ہیں اور پھر ہاسپٹل میں ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن جو آپ نے دی ہے, کورٹ نے تو بلیو کریں آج پیمرا سے کہا ہے کہ آپ چیئرمین پیمرا کو آپ عدالت میں آ کے جائیں کہ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے اویئرنیس کے لیے, جو سیکشن 20 کا ای کا جو ہے کہ 10% ٹائم ہر چینل دے گا اویئرنیس کے لیے, اویئرنیس کے لیے. لیکن میں سلام پیش کرنا چاہوں گا, یہ کوئی آپ کی تعریف نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کردار اس سے پہلے ہی ادا کر دیا. سب سے پہلا پروگرام تماشا نے کیا عدالت کی کاروائی سے پہلے, تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اب مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے, پیرنٹس کو کرنا ہے, میرے بھائی جرنلسٹ کو کرنا ہے, فاروق صاحب کو کرنا ہے. دیکھیں یہ معاشرہ ہے. فاروق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں اس معاملے میں بڑی سیدھی بات کروں گا کہ پیرنٹس کے لیے یہ لیم ایکسکیوز نہیں ہے. سر رات کے 11 بجے جو لوگ وان ویلنگ کرتے ہیں, جو انڈر ایج کرتے ہیں, وہ گھروں سے نکلتے ہیں, ان کو کیز ان کے پیرنٹس لے کے دیتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے اور بھی کمانے کے ذریعے ہیں. ایک کام ہے, آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو آپ وہ کام ہی نہ کریں. مطلب ہمارے پاس 10 آپشن ہیں, 15 آپشن ہیں, ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں. سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں, 4 لوگ ہیں ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہیں, لیکن ایک بچہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ ان 4 کو ہٹ کرتا ہے اور 4 کو 4 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. سو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روڈ کے اوپر اگر ایک آدمی پروفیشنل, اس نے لائسنس لیا ہوا بھی ہے, تو ایک آدمی وہ بالکل کلر ہے, میں کہتا ہوں وہ قتل کرنے جا رہا ہے لوگوں کو. اور ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں, چھوٹے بچے نے صحیح لوگوں کو ہٹ کیا اور لوگ ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک ہے بات بھائی, اس میں ایک آخری جو بڑا اہم پوائنٹ ہے, آج عدالت نے استفسار کیا جو ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ کے کرتا درتا ہے اکبر صاحب,
کہ بھئی آپ نے اتنے کیمرے لگائے 8,000 تو اس کا کیا افادیت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ انقریب ہی ای ٹکٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تاکہ آپ کے لیے بچوں جو دیکھ رہے ہیں جو پیرنٹس کہ اب آپ کے گھر پہ چلان آئے گا۔